जैसा कि दोस्तों आपने थंबनेल देखा होगा, आपको पता चल चुका होगा कि मैं आज किस टॉपिक पर बात करने वाला हूं। आज मैं बात करने वाला हूं, किसी भी टेलीकॉम कंपनी को आप रिचार्ज करते होंगे तो आपने वहां पर देखा होगा कि जितने का रिचार्ज होता है उतना आपको यहां पर पे करना होता है। लेकिन अगर आपने इस वीडियो को कंप्लीट देखा तो मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं कि कैसे आप 25 रुपये का यहां पर डिस्काउंट पा सकते हैं, 25 रुपये का छूट पा सकते हैं किसी भी टेलीकॉम कंपनी के रिचार्ज पर। तो जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं कि आपको यहां पर जियो और एयरटेल दिख रहा होगा। इस समय ज़्यादातर लोग जियो और एयरटेल ही यूज करते हैं, इसलिए मैं आपको जियो और एयरटेल का बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा जियो है और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा एयरटेल है। सबसे पहले हम अभी बात करेंगे यहाँ पर जियो के बारे में और उसके बाद में हम बात करेंगे यहाँ पर एयरटेल के बारे में कि कैसे आप 25 रुपये का डिस्काउंट पा सकते हैं किसी भी रिचार्ज पर। तो यहाँ पर आप मैं कोई कैशबैक का भी भाई बात नहीं करने वाला हूँ, मैं डायरेक्ट यहाँ पर आपको जो डिस्काउंट दिलाऊंगा किसी भी रिचार्ज पर। तो आपको इस वीडियो को कंप्लीट देखना है और आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पर अपने जियो वाले एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ और जैसे मैं यहाँ पर जियो वाले एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर कुछ इस प्रकार से बहुत सारा रिचार्ज प्लान आपको यहाँ पर दिखाई देता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर जो फर्स्ट रिचार्ज प्लान आपको यहाँ पर दिख रहा होगा यहाँ पर 749 रुपये का। तो यहाँ पर जो 749 रुपये का ये रिचार्ज आप जब भी करेंगे तो यहाँ पर आपको 749 रुपये ही देने पड़ेंगे। अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 857 रुपये का। अगर आप 857 वाले रिचार्ज को करते होंगे तो आप यहाँ पर 857 रुपये ही पेमेंट करते होंगे जब भी आप यहाँ पर रिचार्ज करते होंगे। तो साथ ही साथ आप यहां पर देख सकते हैं कि आपको यहां पर बहुत सारे आपको यहां पर रिचार्ज प्लान दिए जाते हैं। जो भी आपको यहां पर प्लान पसंद आता है उस पर आपको 25 रुपये का मैं डिस्काउंट आज दिलाने वाला हूं, बस आपको इस वीडियो को कंप्लीट देखना है। अब बहुत सारे लोग करते क्या हैं, सबसे पहले मैं आपको यहां पर बता देता हूँ। इस समय ज़्यादातर लोग जियो का जो कंपनी यूज करते हैं, मैंने देखा है कि यहाँ पर 239 का यहाँ पर रिचार्ज करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं अगर आप यहाँ पर रिचार्ज करते होंगे तो आपको यहाँ पर पूरा का पूरा पेमेंट करना होता होगा 239 रुपये का। आप इसको पेमेंट करते होंगे तभी आपका रिचार्ज होता होगा। लेकिन अगर आपको मैं यहाँ पर बताऊँ तो इस पर आपको यहाँ पर 25 रुपये यहाँ पर छूट तुरंत मिल जाएंगे। ऐसे कैसे मिलते हैं आपको भी हम बताएंगे। तो यहाँ पर आप करते क्या होंगे, आप यहाँ पर रिचार्ज वाले प्लान पर क्लिक करते होंगे और जैसे आप यहाँ पर रिचार्ज वाले ऑप्शन पर क्लिक करते होंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आप आ जाते हैं। आने के बाद आपको यहाँ पर बोला जाता है कि आप यहाँ पर किस चीज़ से पेमेंट करना चाहते हैं, चाहे वो गूगल पे हो फिर या फिर फ़ोनपे हो या फिर आप पेटीएम से रिचार्ज करते होंगे। यहाँ पर कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं आपको, लेकिन आपको मैं सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपने यहाँ पर गूगल पे या फिर फ़ोनपे या फिर पेटीएम से आपने कभी भी रिचार्ज किया होगा तो आपने ज़रूर नोटिस किया होगा, बहुत सारे लोगों ने नोटिस नहीं किया होगा कि यहाँ पर जो 239 रुपये का ये जो रिचार्ज होता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं जो 239 रुपये का रिचार्ज जो होता है इसके लिए भी आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा चार्ज देना होता है। 1 से 1.5 रुपये आप यहाँ पर एक्स्ट्रा चार्ज देते हैं, कभी कभी तो आपको यहाँ पर 2 रुपये भी एक्स्ट्रा चार्ज देने होते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको यहाँ पर जो 239 रुपये का रिचार्ज है, अगर आप यहां पर फोन पे या फिर गूगल पे या फिर पेटीएम से रिचार्ज करते हैं तो आपको यहां पर 241 रुपए पेमेंट करने होते हैं, 2 रुपए और भी एक्स्ट्रा आपको यहां पर देने होते हैं। लेकिन दोस्त अगर मैं आपको यहां पर बता दूं, अगर आप यहां पर डायरेक्ट किसी भी एप्लीकेशन से डाउनलोड करके आप उस डायरेक्ट उसी एप्लीकेशन से आप रिचार्ज करते हैं तो आपको यहां पर कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देने होते हैं। जैसे मान लीजिए आप जियो का रिचार्ज करते हैं, आप जियो वाले एप्लीकेशन से करते हैं तो आपको यहां पर कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देने होते हैं। तो आपको यहां पर सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर आप यहां पर कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना चाहते हैं तो आप सेम एप्लीकेशन से जिस टेलीकॉम कंपनी का आप यूज करते हैं सेम उसी से आपको यहां पर रिचार्ज करना होगा। तो आपको यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना होगा। पर कोई भी गूगल पे का एप्लीकेशन यूज करते हैं उससे रिचार्ज करते हैं तो आपको कभी कभी 2 रुपये तक एक्स्ट्रा चार्ज आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं, जो आपको यहाँ पर जीएसटी के नाम से आपको यहाँ पर लिए जाते हैं। तो दोस्तों आप लोगों के दिमाग में आपके ये चल रहा होगा कि सर हम कैसे यहाँ पर डिस्काउंट पा सकते हैं किसी भी रिचार्ज पर, जैसे 239 रुपये का ये रिचार्ज है तो इस पर हम 25 रुपये का तुरंत डिस्काउंट कैसे पा सकते हैं। तो चलिए मैं आपको वो भी बता देता हूँ कैसे आपको मिल सकता है। इसके लिए यहाँ पर आपको कुछ करना नहीं है, सबसे पहले आपको यहाँ पर ये सारी एप्लीकेशन से आपको यहाँ पर बैक खो लेना है। बैक होने के बाद दोस्तों अब आपको यहाँ पर करना क्या है, सबसे पहले आपको यहाँ पर करना क्या है, आपको यहाँ पर अपने प्ले स्टोर पर आना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपने प्ले स्टोर पर आना है और जैसे यहाँ पर आप प्ले स्टोर पर आते हैं तो प्ले स्टोर पर आने के बाद आपका प्ले स्टोर इस प्रकार से ओपन हो जाएगा और ओपन होने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है फ्लिपकार्ट। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे आप यहाँ पर लिखेंगे फ्लिपकार्ट तो यहाँ पर ये फ्लिपकार्ट आ जाएगा। अगर आपने अभी तक अपने एप्लीकेशंस को फ्लिपकार्ट को अभी डाउनलोड नहीं किया या फिर इंस्टॉल नहीं किया तो इंस्टॉल जरूर कर लीजिएगा, या फिर अपडेट नहीं किया तो अपडेट कर लीजिएगा अगर आप ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखे होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले मैं इसको अपडेट कर लेता हूँ और उसके बाद में मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप 25 रुपये का डिस्काउंट पा सकते हैं किसी भी टेलीकॉम कंपनी पर।
तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारे यहाँ पर फ्लिपकार्ट का यहाँ पर एप्लीकेशन से ये इंस्टॉल हो चुका है। अब मैं चलिए इसको डायरेक्ट ओपन करता हूँ और जैसे यहाँ पर आप ओपन करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से यहाँ पर ये ओपन हो जाएगा। और दोस्तों बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फ्लिपकार्ट को हमेशा यूज़ करते होंगे, उनका अकाउंट भी बना होगा ऑलरेडी, आप इस पर शॉपिंग भी बहुत ही ज़्यादा कर चुके होंगे। तो अगर आपने यहाँ पर शॉपिंग किया है तो आपका यहाँ पर फायदा एकदम होने वाला है। कैसे होने वाला है वो भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पर ये ध्यान देना है कि आप यहाँ पर जिस भी मोबाइल नंबर से आप फ्लिपकार्ट को यूज़ करते थे उसी मोबाइल नंबर से इसको यहाँ पर लॉगिन कर लीजिएगा, जिस मोबाइल नंबर से आप शॉपिंग करते थे फ्लिपकार्ट पर, ठीक है। तो उसी नंबर से आपको यहाँ पर सबसे पहले लॉगिन कर लेना होगा। अब लॉगिन करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस प्रकार से यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं, यहाँ पर होम के बहुत सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर कोई रिचार्ज करने का तो ऑप्शन नहीं मिल रहा है, फिर ऐसे आपको यहाँ पर 25 रुपये का डिस्काउंट कैसे मिलेगा किसी भी टेलीकॉम कंपनी पर। नीचे आपको यहाँ पर होम का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है और उसके यहाँ पर जस्ट बगल में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर क्या कैटेगरी का आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। अब जैसे यहाँ पर आप कैटेगरी का ऑप्शन यहाँ पर ओपन करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस प्रकार से यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई दे जाते हैं। अब थोड़ा सा जैसे आप यहाँ पर नीचे आते हैं दोस्तों तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है सुपर कॉइन्स का आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर क्या देखने के लिए मिल जाता है सुपर कॉइन्स का, आपको यहाँ पर ये वाला ऑप्शन दिखाई देगा, आपको सबसे पहले इस पर क्लिक करना है। और जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं दोस्तों तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस प्रकार से यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे जाते हैं। अब आपको यहाँ पर एक चीज़ जरूर ध्यान देना है दोस्तों कि आपको यहाँ पर ये ध्यान देना है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऊपर की साइड में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर कुछ कॉइन्स दिखाई दे रहे होंगे। अगर आप यहाँ पर फ्लिपकार्ट पर शॉपिंग करते होंगे तो आपने जिस नंबर से आप यहाँ पर शॉपिंग करते होंगे उसी नंबर से आपने लॉगिन किया होगा तो आपको यहाँ पर जरूर से आपको यहाँ पर कुछ कॉइन्स दिखाई दे रहे होंगे। अब आपको यहाँ पर अगर मान लीजिए कि यहाँ पर जो भी कॉइन्स दिखाई दे रहे हैं तो आप यहाँ पर समझ लीजिए कि तुरंत आपको डिस्काउंट मिलने वाला है, 25 रुपये का डिस्काउंट हर यहाँ पर रिचार्ज पर आपको मिलेगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, उसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि नीचे की साइड में आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है बिल्स एंड रिचार्ज। आप यहाँ पर देख सकते हैं बिल्स एंड रिचार्ज का आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको इस पर क्लिक करना है और जैसे यहाँ पर आप क्लिक करते हैं दोस्तों तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आप यहाँ पर कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आप आ जाएंगे। आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर इस वीडियो को स्किप एकदम नहीं करना है। अगर आप चाहते हैं कि 25 रुपये का तुरंत डिस्काउंट पाएं तो आपको इस वीडियो को कंप्लीट देखना है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप तुरंत यहाँ पर 25 रुपये का डिस्काउंट पा जाएंगे। तो आपको यहाँ पर करना क्या है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस प्रकार से यहाँ पर आ जाएंगे। नीचे के साइड में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है मोबाइल प्रीपेड। आपको यहाँ पर मोबाइल प्रीपेड पर ऑप्शन पर आपको इस पर क्लिक करना है और जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ इस प्रकार से यहाँ पर ये ओपन हो जाएगा। उसके बाद में नीचे के साइड में देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है इंटर नेम और मोबाइल नंबर। तो आपको यहाँ पर जिस मोबाइल नंबर को आपको यहाँ पर रिचार्ज करना है जियो का, उस मोबाइल नंबर को यहाँ पर आपको फिल करना है, या फिर एयरटेल का भी हो सकता है आप यहाँ पर रिचार्ज करना चाहें, या फिर आप हो सकता है कि BI का आप यहाँ पर रिचार्ज करना चाहें। तो यहाँ पर जिस भी टेलीकॉम कंपनी के मोबाइल को आप यहाँ पर रिचार्ज करना चाहते हैं आपको सबसे पहले करना क्या है, आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल कर देना। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले अपना हम मोबाइल नंबर फिल कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर इस प्रकार से फिल कर देता हूँ। जैसे यहाँ पर अपने मोबाइल नंबर को फिल करेंगे तो नीचे के साइड में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर शो कर जाएगा। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको क्लिक करना है और जैसे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर थोड़ा सा वेट कीजिएगा और थोड़ा सा वेट करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर कुछ दिख रहा होगा। नीचे के साइड में जैसे आप यहाँ पर आते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो 700 यहाँ पर आप देख सकते हैं 749 रुपये का जो रिचार्ज था, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर 724 रुपये का रिचार्ज होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं 25 रुपये का आपको यहाँ पर डिस्काउंट देखने के लिए मिल जाता है। इसी प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2999 का जो रिचार्ज था, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 2974 रुपये का यहाँ पर रिचार्ज हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 25 रुपये का आपको यहाँ पर इंस्टेंट डिस्काउंट देखने के लिए मिल जाता है। साथ ही साथ दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर जो 398 का रिचार्ज था, आप यहां पर देख सकते हैं कि 373 रुपये का आपको यहां पर रिचार्ज हो जाता है। आप यहां पर देख सकते हैं 25 रुपये का आपको यहां पर तुरंत डिस्काउंट देखने के लिए मिल जाता है। साथ ही साथ आप यहां पर देख सकते हैं कि 666 रुपये का रिचार्ज था, तो आप यहां पर देख सकते हैं कि 641 रुपये का आपका यहां पर रिचार्ज हो जाएगा। आप यहां पर देख सकते हैं 25 रुपये का आपको यहां पर डिस्काउंट देखने के लिए मिल जाता है। इसी प्रकार से आप यहां पर जो भी रिचार्ज आप यहां पर देखना चाहें आपको यहां पर प्लान दिख जाएगा। आप यहां पर देख सकते हैं सारे के सारे आपको यहां पर प्लान दिख जाएंगे। आप यहां पर देख सकते हैं कि आपको यहां पर 249 रुपये वाला भी आपको यहां पर प्लान दिख रहा होगा। जो 249 रुपये का प्लान है आप यहाँ पर देख सकते हैं 25 रुपये का आपको यहाँ पर डिस्काउंट पाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 224 रुपये का ये रिचार्ज हो गया है। चलिए सबसे पहले मैं इस पर क्लिक करके आपको दिखा भी देता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर जो पे करने के लिए बोला जाता है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि 249 रुपये। लेकिन दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है, आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है पे यूजिंग 25 सुपर कॉइन्स। आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर सुपर कॉइन्स पर आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि नीचे के साइड में आपको पर कितना पे करना है, 224 रुपये ही पे करना है। और आप यहां पर जैसे ही पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपका पेमेंट हो जाएगा। इस प्रकार से आप तुरंत आप यहां पर देख सकते हैं कि 25 रुपये का तुरंत आप यहां पर डिस्काउंट पा जाएंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से आप यहां पर रिचार्ज कर लीजिएगा। मेरा ऑलरेडी रिचार्ज है, मैं इसलिए नहीं क्लिक करता हूं, लेकिन आप जैसे क्लिक करेंगे आपका रिचार्ज हो जाएगा। आप लोगों से दोस्तों छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप भी ऐसी वीडियो देखो देखना चाहते हैं, पसंद आती है और हमेशा आप अपडेट रहना चाहते हैं तो हमारी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट भी कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू एंड धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।